ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटी है कोविड नाइन्टीन के लिए लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सेचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए हमारे सब टिश्यूज़ को चाहे हम ब्रेन बात की बात करें किडनी की बात करें लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें इनफ ऑक्सीजन इज ब्रीचिंग दीज ऑर्गन्स इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नाइन्टी फोर है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको नाइन्टी एट करें वो एक ऑक्सीजन का मिस है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिस यूज़ ना करें क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है जब किसी किसी व्यक्ति की सेचुरेशन 93 से कम हो इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं इनके लोगों जिनको ब्रोंकाइटस है फेफड़े खराब हैं वो अपना सेचुरेशन 88, 90 पे भी ठीक काम चल चल जाता था 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे इसलिए ये पैनिक की जरूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 92, 93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुँचने में देरी हो जाए इसलिए अगर आपकी सेचुरेशन नाइन्टी से ज़्यादा है आप बिल्कुल ना घबराएं ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है कम से कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ज़रूरी अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हॉस्पिटल्स के लिए है कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो और कई हॉस्पिटल्स में और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी तो लोग ऑक्सीजन जो थे वो बहुत लीकेज हो जाती थी एक एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया ना नाक से अब आपका खाना आ गया आपने खाने खाने के लिए बैठे ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो हो जाएगी तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें उसकी लीकेज ना करें तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देर इज़ नो लीकेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पर गाइडलाइंस भी हैं दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है आप घर पे हो तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन तो वो भी हम कर सकते हैं